गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो अभी तक लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये देख लिया होगा कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बेसिक सिंपल एग्जांपल में सिंगल लिंक में हम लोगों ने देख लिया था कि उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक किसी भी मैकेनिज्म में कितने तरह के इंस्टेंटेनियस सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ डिफाइंड हैं, जैसे टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर के लिए जो डिफाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं वो कहाँ पे लाइक करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, जैसे कि ये टर्निंग पेयर है, रोलिंग पेयर है, तुम्हारा स्लाइडिंग पेयर के लिए इन्फिनिटी पे जाता है। ठीक है, या स्लाइडिंग पेयर जो भी बॉडी जिस सरफेस पे, जिस भी सरफेस पे स्लाइड कर रही है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में देख लिया था। ठीक है, अब हमें देखना है, ठीक है, अब हमें चेक करना है कि किसी भी मैकेनिज्म के लिए, सिंपल मैकेनिज्म के लिए हमारा ये सिंपल मैकेनिज्म के लिए हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी एक सिंपल मैकेनिज्म को हम लेंगे और कंसिडर करेंगे कि उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ लाइन करेगा। ठीक है, जैसे ये कोई भी मैकेनिज्म, अगर हम एक सिंपल मैकेनिज्म फोर बार, जैसे कि ये फोर बार मैकेनिज्म में सारे के सारे टर्निंग पेयर हैं। ठीक, फोर बार मैकेनिज्म में सारे के सारे टर्निंग पेयर हैं। तो इस मैकेनिज्म में हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कितने टोटल इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, फोर, 1, 2, 3, 4। तो इससे नंबर ऑफ आईसी क्या आ जाएगा, 4C2, मतलब 4×3/2, मतलब 6। ठीक, LC2 के फॉर्मूला यूज़ करने पे हमें क्या मिल गया, कितने तरह के इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गए, 6। मतलब इस मैकेनिज्म में टोटल कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, 6। टोटल 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। ठीक है, नंबर तो ये हमें मिल गया। ठीक, अब दूसरी चीज़ है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से होंगे, कौन कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, जैसे हमारे पास चार लिंक है, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ठीक, नहीं पहले 1 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर ठीक है पहले 1 लिख दिया, ठीक, 1, 1, 1, 4। अब 1 के बाद जितने भी लिंक हैं, जैसे 1 के बाद 1 को छोड़ के और कितने लिंक बचे, 2, 3, 4, 1 के साथ लिख दो, 2, 3, 4, 5 तो है नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, उसके नीचे, ठीक, पहले 1 को लिख दिया, अब देखो 2 इससे कम होगा, 2 और 2, यहाँ पे 3 आए तो उससे 1 कम होगा, 2। अब 2 के बाद जितने भी लिंक बचे हैं, जैसे 3 और 4, उनको उसके साथ लिख दो, 3 और ये 4। ठीक, उसी तरह यहाँ क्या करो, 3 के बाद कितने लिंक बचे हैं, 4। ठीक, ये 3 हो गए, ये 2 और ये 1, 3। ठीक है, यही हमारे इंस्टेंटेनियस सेंटर है। और ये हमें पता है कि I12 क्या डिनोट करता है, लिंक और 1, 1, 2। I12 क्या कह रहा है, जहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2 जहाँ जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ जॉइंट हो रहे हैं I12 वहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह I3, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि 6 बनेंगे, और 6 कौन कौन से बनेंगे। ठीक,
आई वन टू कहाँ होगा, आई वन टू ये रहा, आई टू थ्री ये रहा, आई थ्री फोर ये रहा, आई वन फोर कह लो या फोर वन कह लो, ठीक ये बन गया। तो छः में से चार इंस्टेंटेनियस सेंटर का लोकेशन तो हमने दे दिया, ठीक है। ये सारे के सारे फिक्स्ड या परमानेंट टाइप ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर थे जिनका लोकेशन हम लिंक मैकेनिज्म के ऊपर ही दे सकते हैं। बचे कौन कौन से लिंक, एक तो टू फोर बचा, आई टू फोर बचा, ठीक है, और आई वन थ्री बचा, और आई वन थ्री बचा। ये दो मैकेनिज्म, ये दो इंस्टेंटेनियस सेंटर के लोकेशन अभी तक हमने नहीं दिया। बाकी आई वन टू हमने दे रखा है, आई टू थ्री दे रखा है, आई थ्री फोर दे रखा है, आई टू फोर और आई वन थ्री नहीं है, और आई वन फोर दे रखा है, ठीक है। ये दो लोकेशन आई टू फोर और आई वन थ्री का लोकेशन हमें पता करना होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि किसी भी एक मैकेनिज्म में अगर जितने भी नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं, अगर चार नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं तो उस चार नंबर ऑफ़ लिंक से फोर सी टू करेंगे तो वहाँ से सिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर आएगा, ठीक है। इस सिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर में से कुछ इंस्टेंटेनियस सेंटर तो हमें तुरंत मैकेनिज्म से ही मिल जाएंगे, ठीक है, जो फिक्स्ड होते हैं, और कुछ ऐसे इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिन्हें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें थोड़ी बहुत ड्राइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका फाइंड आउट का अलग तरीका है, ठीक है। तो हमें जैसे इस केस में जो अभी हमने मैकेनिज्म देखा उसमें आई वन थ्री और आई टू फोर, ये दो मैकेनिज्म, दो आई सेंटर ऐसे थे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऐसे थे जिनकी लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसका तरीका है, पर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक। हमें ये पता है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ लिंक है वो फोर है, ठीक, नंबर ऑफ़ लिंक फोर है। तो हम सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर कह लो कि एक ऐसा रेक्टेंगल बनाएंगे जिसके सिर्फ फोर साइड्स होंगे। अगर हमारा लिंक नंबर ऑफ़ लिंक फाइव है तो हम सर्कल के अंदर एक ऐसा पेंटागन बनाएंगे। अगर सिक्स है तो हम हेक्सागन बनाएंगे। जैसे इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया उसमें लिंक नंबर ऑफ़ लिंक है फोर, तो हम एक क्या करेंगे, और ये सारे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। एक ये हो गया, ठीक। ये सारे के सारे एक दूसरे के अपने एक एक लिंक को डिनोट करते हैं, वन टू थ्री फोर, हर एक लिंक को डिनोट करते हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है हमें कौन कौन सा आई सेंटर चाहिए था, आई वन टू नहीं वन थ्री और आई टू फोर, हमें ये दो आई सेंटर चाहिए थे। अब देखो आई ये मतलब यहाँ पे वन टू थ्री फोर इस तरह से डिनोट करेंगे, सर्कल बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब हमें चाहिए कि आई वन थ्री, तो वन थ्री ज्वाइन, तो हम क्या करेंगे इसमें वाई वन थ्री ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो जब हम आई वन थ्री ज्वाइन करेंगे तो तुम देखोगे कि ये किससे किससे बना है, किससे किससे मिल गए, इस ये है एक, मतलब ये कैसे बन जाएगा, आई वन टू और आई टू थ्री, और इस साइड से आएंगे तो आई वन फोर और आई थ्री फोर। मतलब इसका ये हम इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आई वन थ्री है, आई वन थ्री है वो क्या है, इन दोनों लाइन के जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आई वन थ्री होगा, मतलब आई वन टू और आई टू थ्री, ठीक है, ये एक लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन से को जहाँ हम एक्सटेंड करेंगे और आई फोर आई वन फोर आई थ्री फोर को जब एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइन जहाँ पे भी मीट करेंगी वहाँ पे हमारा आई वन थ्री होगा। ठीक उसी तरह हम आई टू फोर की बात करते हैं, आई टू फोर। अब टू से फोर जाने के लिए हमें दो ऑप्शन है, एक आई वन टू और आई वन फोर,
ठीक है, और दूसरा I23, ठीक है, I23 और I34, ठीक है। अब I12 और I14 एक लाइन होगी, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और I23 और I34 को भी एक्सटेंड करेंगे। ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारा I24 होगा, ठीक है। अब जैसे अब हम आते हैं डायग्राम पे, हमें ये तो पता चल गया कि इन दो लाइनों से मिलकर ये दोनों बनेंगे, ठीक है, कि दो आई सेंटर से मिलकर ये दोनों बनेंगे। तो हम अगर डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम पे अगर हम आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हम I3 देखते हैं, तो I3 किससे किससे बन रहा था, I14 और I34 को एक्सटेंड करते हैं, ठीक, हमारे यहाँ पे I14 यहाँ पे है और I34 इस लाइन को, जब I3 यहाँ पे है, I34 यहाँ पे है, ये क्या एक लाइन है, इस लाइन पे इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक, ये कह लो इसको एक्सटेंड करते हैं, एक ये लाइन हो गई, और दूसरा किससे बनेगा, I12 और I23, I12 तुम्हारा यहाँ पे है, I23 यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करते हैं, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे हमारा यहाँ पे I13 मिल जाएगा, ठीक। उसी तरह इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये जहाँ मिलेंगी वहाँ पे हमें I24 मिल जाएगा, ठीक है। ये किसी भी एक सिंपल मैकेनिज्म के लिए हमारा मेथड होता है कि हम कैसे उसके उन इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में पता करते हैं जो हमारा डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है, उन इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में पता करते हैं जो डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरीका है, ठीक, ये हमारा एक तरीका है इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल भी है, एग्जांपल अभी नहीं करना है, बाद में करना है। अब हमारा अगला आता है केनेडी थ्योरम। केनेडी थ्योरम क्या कहता है, केनेडी थ्योरम बेसिकली कहता क्या है, ये आर्नोल्ड केनेडी ने कहा था, ठीक है, कि फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म, फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म, एनी थ्री लिंक्स एंड दियर इंस्टेंटेनियस सेंटर शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ये कहता है कि इफ थ्री बॉडीज मूव रिलेटिवली टू ईच अदर, दे हैव दियर इंस्टेंटेनियस सेंटर lie on a straight line, three body must have relative motions, ठीक है, उनका जो instantaneous center होगा अगर किसी भी mechanism में, ये कहता है कि if कोई भी तीन body अगर एक दूसरे के respect में relatively move कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके instantaneous center, अगर कोई भी हम तीन body का ले लें, उनके instantaneous centers हमेशा एक straight line में, एक straight line में lie करेंगे, ठीक है। केनेडी थ्योरम कहता है दियर, क्या कहता है कि दियर थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर मस्ट लाए ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उनके इंस्टेंटेनियस सेंटर एक स्ट्रेट लाइन में लाए करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में लाए करेंगे, ये हमारा कहता है फॉर, ठीक है, ये आर्नोल्ड केनेडी ने ये थ्योरम दी थी। केनेडी इसको केनेडी थ्योरम कहते हैं। थ्री बॉडीज आईसी सेंटर्स इंस्टेंटेनियस सेंटर मस्ट लाए
ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ दे मूव रिलेटिव टू ईच अदर, इफ दे मूव रिलेटिवली टू ईच अदर, इफ दे मूव रिलेटिवली टू ईच अदर। ठीक ठीक है, ये हमारा केनेडी थ्योरम कहता है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा थ्योरम आता है थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज रेशियो, थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज रेशियो। ठीक है, थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रहता है वेलोसिटी रेशियो, ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है। जैसे मान लो अगर कोई दो लिंक है, ठीक, दो लिंक है, ठीक है, और ये उनका आई सेंटर है एम एन, तो जो वेलोसिटी उनकी वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा ओमेगा वन। ठीक, एक लिंक का ओमेगा वन, ये क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आई एम एन, आई एम एन माइनस आई एन एम इज इक्वल टू ओमेगा एन आई एम एन माइनस आई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ये हमारे इसके इक्वल होता है। दिस थ्योरम इज अप्लाइड एट इंस्टेंटेनियस सेंटर एट एम एन, टोटल आई सी सेंटर यूज, तीन आई सी सेंटर इसमें यूज होते हैं, ऑल थ्री इन सेम लाइन कैनेडी थ्योरम। इफ आई एम एन, आई वन एम और आई एन एन लाई एट सेम साइड ऑफ देन सेम डायरेक्शन है अदरवाइज वाइस वर्सा। ठीक है, इसका बेसिकली हमें क्या है जब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज का जो यूज़ है, अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत से ऐसे आते हैं जहाँ पे इसका एप्लीकेशन होगा। अगर हमें दो लिंक दे रखी है, ठीक है, उनका आई एम एन हमें दे रखा है, जैसे आई एम एन एन दो लिंक है, ठीक है, उनका हमें आई एम एन पता है और आई विथ रिस्पेक्ट टू एम है और ये आई एम एन पता है, तो हम यहाँ से एंगुलर वेलोसिटीज दोनों लिंक के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ही। अब जैसे ये लिंक है, अब जैसे ये हमारा लिंक है, ये इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि व्हेन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और ओमेगा 2 की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकंड है, तो उस केस में हमें फाइंड करना है ओमेगा 3, ओमेगा 2 इसकी सेकंड लिंक है, ओमेगा 3 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, एंड डायरेक्शन आल्सो। तो ये इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू देखो 180 डिग्री हो गई, ठीक है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई और इस केस में ओमेगा टी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें ओमेगा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ बताओ, जब हम थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, हमें पता है, हमने पढ़ा है थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, ठीक, वो क्या हमें कहता है, ओमेगा 2, ओमेगा 2 और सिंस 2 3 से 2 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 आई 2 3 माइनस 1 3। ठीक, ओमेगा 2 हमें गिवन है, ओमेगा 3 हमें निकालना, आई 2 3 कहाँ पे है, आई 2 3 इस पॉइंट पे है और आई 2 3 का आई 1 2 से डिस्टेंस कितना है 2, तो ओमेगा 2 इंटू 2, ठीक, ओमेगा 3 आई 2 3 का 1 3 से, 2 3 का 1 3, देखो दोनों के दोनों यहीं पे आ जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कितना है 1। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 5 इंटू ए, इंटू ए ए डिस्टेंस है, ओमेगा 3 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, तो क्या 5 इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा 3 इंटू 2a, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से हमें ओमेगा 3 की एंगुलर वेलोसिटी आ जा रही है। तो थ्योरी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेशियो हमें यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे उसका यूज़ होता है। इस तरीके से हमारा जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर है हमारा, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, इसमें कुछ और नया नहीं बचा है, बस इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की बात है कि हमारा प्रैक्टिस कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एक मैकेनिज़म है, ठीक, ये इस मैकेनिज़म में देखेंगे कि हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन सा कैसे कहाँ पे है,
तो यहाँ पे देखोगे एक इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, 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 बाकी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, छः, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होंगे, 6C2 यानी कि 6 × 5/2 यहाँ 3 = 15, टोटल 15 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। ठीक, तो 5, 6, 4, 9, 3, 12 और 3, 15 टोटल 15 इंस्टेंटेनियस सेंटर इसके यहाँ तक हो गए। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी एनालिसिस ख़त्म हो जाता है, वेलोसिटी एनालिसिस यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। और कुछ ही इसमें टॉपिक तो नहीं है, बाकी सारे इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी एनालिसिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब वेलोसिटी एनालिसिस हमें रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।